आप विदाउट हेलमेट बाइक क्यों चला रहे हैं? क्योंकि मेरे पास हेलमेट नहीं है, वैसे ही चला रहा हूँ, घर से निकले हैं जल्दी में। यार हेलमेट का इस्तेमाल तो ज़रूरी है, इस्तेमाल करना भी चाहिए, मुझे एलर्जी है। सर मैं जिम आया था इसलिए, यहाँ रास्ते में कोई आता नहीं है इस तरह का कोई पॉइंट, इसलिए नहीं याद ही रहा इसलिए। पहनना है जाके जाके, जब कोई आएगा ना पुलिस वाला आगे तो फिर पहन लूँगा। एक वीडियो है इसी अवेयरनेस से रिलेटेड, आज हम बात करेंगे बाइकर्स के हवाले से, और मेरी कोशिश है मैं ज़्यादा एम्फेसाइज करूँ कि बाइकर्स हेलमेट इस्तेमाल किया करें। हमारे पास जो हेड इंजरी के पेशेंट्स आते हैं या जो हमारे पास न्यूरोसर्जरी के पेशेंट्स आते हैं, ज़्यादातर उनमें 90% बाइकर्स होते हैं, और ज़्यादातर जो चोट बाइकर्स की लगती है वो सर पे लगती है। इसके ऊपर एक एनालिसिस है, 90% में से 80% को हड्डियों के फ्रैक्चर होते हैं, लेकिन स्कल का या सर की हड्डी का जो फ्रैक्चर होता है उसे डायरेक्टली ब्रेन डैमेज होता है। हार्डली जो मैक्सिमम जो रिकवरी होती है वो 5-10% होती है, लेकिन अगर किसी को ज़्यादा नुकसान हुआ है तो वो रिकवर नहीं होगा। तो मैं बड़ा स्ट्रांगली एडवाइस करूँगा सारे बाइकर्स को कि हेलमेट इस्तेमाल किया करें और स्पीड लिमिट्स का ख्याल रखा करें। सेहत आपकी जिम्मेदारी हमारी। ये वीडियो देखने के बाद आपके क्या रिव्यूज़ हैं? आइंदा के बाद मैं इस चीज़ का ख्याल रखूँगा, ख़ुद भी हेलमेट पहनूंगा और दूसरों को भी इस चीज़ का मशवरा दूंगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा और मेरे जितने यार दोस्त हैं सबको मैं बताऊंगा कि यार ये हेलमेट इस्तेमाल करो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और लाजमी चीज़ है। तो इंशाल्लाह हेलमेट पहनेंगे अपनी अपना ख्याल रखने के लिए, क्योंकि सही बात है छोटी से छोटी जगह पर अगर एक्सीडेंट हो जाए तो हमारी अपनी हिफाजत का ख्याल होगा, हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हेलमेट पहनेंगे। आपकी कावश बहुत अच्छी है और मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ और आइंदा इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि घर से निकलते ही चाहे थोड़ा काम भी हो तो हेलमेट पहना जाए। बिल्कुल सही इस्तेमाल करना चाहिए और यानी अपनी ये तो अपनी मतलब ये कि हिफाजत के लिए है, तो इंशाल्लाह फिर एहतियात करेंगे हर वक्त के। चले इंशाल्लाह आइंदा हेलमेट पक्का यूज़ करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।